चलें अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फर्स्ट अमॉन्ग द 16 मगध। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मगध महाजनपद बाकी सारी महाजनपदों की अपेक्षा किस तरह से राइज करके सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में उभर कर या फिर निकल कर आता है, एंड फर्दर इसका कैसे एक अम्पायर के रूप में, भारत के सबसे शुरुआती और सबसे पावरफुल अम्पायर के रूप में इसका उदय होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ये सारा डिस्कशन करने के पहले एक बार आप मगध की फोटोग्राफ देखिएगा शुरुआती फेज में, और उसके बाद में फिर ये कैसे धीरे धीरे बढ़ता है और कैसे ये धीरे धीरे इंक्रीज होता चला जाता है, इसको फिर आप कंपेयर करिएगा। सबसे शुरुआती फेज में पांचवी छठी शताब्दी ईसा पूर्व की अगर बात की जाए, जब मगध का राइज शुरू नहीं हुआ था, तब एक महाजनपद के रूप में ये सिर्फ इतने इलाके तक फैला हुआ था। ये जो ग्रीन कलर, ये जो रेड कलर से मैंने इसको पूरा डार्केन किया है, इतना इतना पोर्शन अपना मगध का हुआ करता था, ठीक है जी। इतने इतने पोर्शन में, इतने इतने इलाके में हमको मगध देखने के लिए मिलता है। आज की तारीख में ये इलाका कहाँ पर है प्रोमिनेंटली, ये इलाका बिहार में बिहार का जो क्षेत्र है वहाँ पर मगध का प्रोमिनेंटली आपको हिस्सा देखने के लिए मिलता है। ये पांचवी छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का मैप है। अब यहाँ से किस तरह से राइज करता है और किस तरह से ये बढ़ता चला जाता है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बिटवीन 6th and 4th century बिफोर कॉमन एरा, मगध इन प्रेजेंट डे बिहार बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद। यानी कि छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग 200-250 साल के बीच में मगध जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर निकल कर आता है, सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में राइज करता है। अब मैंने आपको जो पीछे मैप दिखाया था उसको जरा कंपेयर करिएगा इस वाले मैप के साथ में। अब वहां पर अपन ने ये देखा था कि मगध एक इतना लगभग छोटा सा पोर्शन था, उसकी अपेक्षा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते मगध का जो है फैलाव या फिर राइज काफी ज्यादा होने लगा था। धीरे 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 अपने आसपास की काफी सारी महाजनपदों को इसने अपने अंदर समेट लिया था और एक काफी पावरफुल, काफी बड़ी, इनफैक्ट सबसे बड़ी महाजनपद के रूप में जो है मगध का उदय होता है। अब आप इसको कंपेयर करिए, कहां वो इतना छोटा सा पोर्शन अपन ने देखा था इसके पहले वाले मैप में, और कहां जो है ये फैलते फैलते चौथी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते इस लेवल तक जो है पहुंच जाता है। तो यहां पर अपने को क्लियर कट दिख रहा है कि मगध जो है एक सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में इन दो शताब्दियों के बीच में निकल कर आया था। अब कैसे निकल कर आया था उसको अपन लोग डिस्कस करेंगे। मॉडर्न हिस्टोरियंस एक्सप्लेन दिस डेवलपमेंट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है इस डेवलपमेंट की या फिर ये जो पूरा अंपायर के रूप में मगध जो है राइज अभी करेगा, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, या फिर एक सबसे पावरफुल महाजनपद के रूप में जो ये राइज किया है, इस पूरी डेवलपमेंट को समझाने के पीछे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हम लोग अभी देखने वाले हैं। हिस्टोरियंस को क्या लगता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। तो सबसे पहला है, मगध वॉज अ रीजन वेयर एग्रीकल्चर वॉज स्पेशली प्रोडक्टिव। मगध का जो ये पूरा क्षेत्र है ये वो क्षेत्र है जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में काफ़ी सारी नदियां बहती हैं, गंगा नदी यहां से जाती है, गंगा की काफ़ी सारी ट्रिब्यूटरीज यहां से बहती हैं, इसके चलते जो ज़मीन है, जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। अब मिट्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, इसके चलते यहां पर एग्रीकल्चर करना, बाकी ऐसे क्षेत्र जहां पर इतनी सारी नदियां नहीं है, इतना अच्छी जलवायु नहीं है, इसके वहां पर अगर आप एग्रीकल्चर करते तो उसकी अपेक्षा यहां पर एग्रीकल्चर करना कंपैरेटिवली आसान है, या फिर ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना आपको यहां पर एग्रीकल्चर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी, ज़्यादा आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। अब अगर एग्रीकल्चर में आउटपुट ज़्यादा हो है, अगर किसान की पैदावार ज्यादा हो रही है, तो अपन ने इसके थोड़ी देर पहले देखा था कि धर्मशास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि रूलर आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स हैं उनसे टैक्स वसूल सकता है। अगर आपका आउटपुट बढ़ गया है, आपकी खेती बढ़ गई है, इसका मतलब आपसे जो टैक्स लिया जा रहा है वो भी बढ़ जाएगा, और अगर टैक्स बढ़ेगा, टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, तो इससे आपकी अंपायर की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, इसकी मदद से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा अच्छे से चला सकते हैं, ज्यादा बड़ी आर्मी रख सकते हैं। एंड जाहिर सी बात है, ज्यादा बड़ी ज्यादा पावरफुल आर्मी का फिर अपना एक रोल होता है किसी भी अंपायर को एक्सपेंड करने में, वही बात मगध के ऊपर लागू होती है। तो पहला प्रोमिनेंट रीजन कि मगध जिस क्षेत्र में बसा हुआ था यहाँ पर एग्रीकल्चरल बहुत प्रोडक्टिव था, एंड जैसे जैसे फर्दर फिर एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन होता चला गया तो इसके चलते आपका प्रोडक्शन बढ़ता चला गया, प्रोडक्शन बढ़ने के चलते टैक्स बढ़ा, और टैक्स के बढ़ने के चलते फिर कहीं ना कहीं टैक्स के बढ़ने के चलते अंपायर की जो है फाइनेंशियल स्थिति एंड अल्टीमेटली मिलिट्री और बाकी सारी चीज़ों में इंप्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिलता है। दूसरा, बिसाइड्स आयरन माइंस इन प्रेजेंट डे झारखंड वेर एसेसिबल एंड प्रोवाइडेड रिसोर्सेज फॉर टूल्स एंड वेपन्स। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये है कि आज का जो मगध का वो इलाका जो आज की तारीख में झारखंड में है, जहाँ पर आयरन की माइंस या लोहे की खाने आपको मिलती हैं, ये एसेसिबल थी आपको अपने महाजनपद में। यहाँ से अब जो लोहा या फिर आयरन ओर मिलता था उसकी मदद से उसको पिघला कर आपने अलग अलग एग्रीकल्चरल टूल्स को बनाया, अलग अलग वेपन्स को तैयार किया। एग्रीकल्चरल टूल्स के जितना ज़्यादा बड़ी मात्रा में आपने एग्रीकल्चरल टूल्स बनाकर अपने प्रोड्यूसर्स को, अपने फार्मर्स को बांटे, उन्होंने उतना ज्यादा आपको प्रोडक्शन बढ़ा कर दिया। अब प्रोडक्शन जितना ज्यादा बढ़ा उतना ज्यादा आपका टैक्स बढ़ता चला गया। अब यहां पर देखिएगा कितना एक कह सकते हैं विशेष सर्कल या फिर एक लूप बनता चला जा रहा है, क्योंकि जलवायु बड़ी अच्छी है और पानी की कोई समस्या नहीं है, मिट्टी बहुत बढ़िया है, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है,
अब देखिएगा चीजें कितना ज्यादा जो है आपस में आकर जुड़ जाती हैं। प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ रहा है तो फिर जो राजा है वो किसानों से टैक्स ज्यादा ले सकता है, टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो फिर आप मिलिट्री के ऊपर खर्च कर सकते हो और बाकी सारी चीजें कर सकते हो। और इसी को एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाने में आयरन का जो माइंस है वहां से जो लोहा मिल रहा है उसकी मदद से जो टूल्स बनाए जा रहे हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट टूल अदा कर रहा है। अब बड़ी मात्रा में यहाँ पे आयरन एसेसिबल है तो यहाँ से टूल्स की व्यवस्था, यहाँ से जो आयरन निकला उसकी मदद से आपने टूल्स बनवाए, टूल्स बनवाकर आपने अपने एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन करने वाले लोग थे, अपने किसान जो थे उनको बांट दिए। तो इसके चलते जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था ये और ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करने लगा। ये जितना ज्यादा ग्रो करेगा तो आपका जो टैक्स कलेक्शन है वो भी और ज्यादा बढ़ने लगेगा। तो यहां पर एक विशेष साइकिल बन गया। अब इस टैक्स कलेक्शन की मदद से आप अपनी आर्मी के ऊपर भी खर्चा कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर भी खर्चा कर सकते हो और फिर फौज के लिए भी इसी आयरन ओर से, यहीं पर जो लोहे की खाने हैं, यहीं से जो आपको लोहा मिल रहा है उसकी मदद से और वेपन्स बनाए जा सकते हैं। तो ये वेपन्स आपकी सेना को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। पता चला कि एक कोई दूसरी महाजनपद है जहां पर लोहे की खाने नहीं है, उनको अगर अपने लिए लोहे के वेपन्स खरीदने हैं तो उनको महंगे दाम पे किसी से खरीदना पड़ रहा है और अपने पास में, क्योंकि आपके पास में ये आयरन की ओर है तो आपको अलग से कहीं से लोहा लाने की जरूरत ही नहीं, आप खुद ही जो है उसके वेपन्स बना ले रहे हो। या फिर अगर किसी और को भी जरूरत है तो आप बड़ी ऊंची कीमत पर वेपन्स को बेच रहे हो और इससे भी आप पैसा कमा रहे हो। तो आयरन माइंस क्योंकि इनके पास में मौजूद थी और इन आयरन माइंस से प्रचुर मात्रा में लोहा जो है वो निकाला जा रहा था, उसका इस्तेमाल टूल्स को बनाने के लिए और वेपन्स को बनाने के लिए बड़ी मात्रा में किया गया। इसका इस्तेमाल है, ये जो यूटिलाइजेशन है, इसने एग्रीकल्चर को भी बढ़ाया है और इसने सेना को भी जो है मजबूत करने में बहुत ज्यादा मदद करी है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हिस्टोरियंस मानते हैं मगध के राइज में इंपॉर्टेंट था वो है हाथी। एलिफेंट्स एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द आर्मी वेयर फाउंड इन द फॉरेस्ट इन द रीजन। इस जमाने में जितनी भी आपकी युद्ध हुआ करते थे, जितने भी वॉर्स वगैरह लड़े जाते थे उसमें एलिफेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था। इनफैक्ट अगर आप पुराने ऐतिहासिक अगर युद्ध उठाकर देखेंगे तो 11वीं 12वीं शताब्दी तक भी हाथियों का काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है। अपने भारत में जो युद्ध कला थी उसमें एलिफेंट्स काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल होते थे। तो क्योंकि आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है वो हाथी थे, और फिर वही बात कि यहाँ पर क्योंकि इस इलाके में जो जंगल पड़ते थे वहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में हाथी काफ़ी मात्रा में पाए जाते थे, तो यहाँ से हाथियों को पकड़ना, छोटी उम्र में ही उनको पकड़ लेना और उसके बाद में फिर उनको ट्रेन करना अपने आर्मी के जो भी ज़रूरत है उसके हिसाब से ज़्यादा आसान था बजाय किसी दूसरे रूलर को किससे कंपेयर करें अगर आप, कि जहाँ पर हाथी या तो होते नहीं या फिर कम होते हैं या फिर उनको बाहर से लाना पड़ रहा है, उसके लिए फिर महावत रखना पड़ रहा है और वो सब करने के बाद में भी उतने हाथी मेंटेन नहीं कर पा रहे फौज के लिए जितने जरूरी हैं। उसी को कंपेयर कर लीजिए कि भैया आपको हाथियों की कमी पड़ रही है, आपने रीजन में गए, जितने चाहिए उतने हाथी पकड़े, उनको लेकर आए, ट्रेन किया, ट्रेन कर अपनी सेना में शामिल कर दिया, आपकी आर्मी जो है वो वैसी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। आप सोच कर देखिए कि अगर आपने 10,000 लोगों की फौज भेज दी कहीं पर 200-300-500 हाथियों के साथ में, वो 200-300-500 हाथी जो है अपने आप में कहीं ना कहीं एक आपका पावर प्रोजेक्शन ऐसा कर देंगे कि रूलर एक बार जो आपका अपोनेंट में है वो लड़ने से पहले सोचेगा कि यार लड़ूं कि मतलब इनके साथ में संधि कर लूं। जैसे आज की तारीख में होता है कि आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कूक करता है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को कहीं पर भेज देता है किसी रीजन में जहां पर उसको कोई शांति वार्ता करनी हो, और उसके बाद में फिर दादागिरी करता है कि अगर आपने हमारी शर्तें नहीं मानी तो एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, हम यहां से भी निकलेंगे, वो मिसाइलें मारना शुरू कर देंगे आपके ऊपर, अब देख लीजिए। तो ये बेसिकली पावर प्रोजेक्शन है। उसी तरीके से उस जमाने में क्योंकि हाथी जो है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल एलिमेंट थे आर्मी के, 10,000 लोगों की फौज भेज दी और उसके साथ में आपने 200-500 हाथी भेज दिए, वो 200-500 हाथियों का जो प्रभाव पड़ेगा, जो पावर प्रोजेक्शन होगा, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल अदा करेगा किसी भी आदमी को रिकंसिडर करने में अपने फैसले को कि वो मगध से लड़े या ना लड़े। और ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही कि काफी सारे लोगों ने बिना लड़े ही जो है मगध की दास्ता स्वीकार कर ली, कई सारे लोगों ने जो है लड़ाई लड़ी तो उसके बाद वो जीत नहीं पाया, और ये एक प्रोमिनेंट रीजन रहा कि ये जो वेपन्स आपने खूब सारे बनाए थे आयरन टूल से और जो ये अपनी अच्छी खासी एक बड़ी मात्रा में जो हाथियों को शामिल कर लिया था अपनी आर्मी में, इसने मगध को एक एडवांटेज या फिर एक एज बाकी सारी महाजनपदों के ऊपर दे दिया। और इस एडवांटेज या फिर इस एज का इस्तेमाल करते हुए 200 सालों के अंदर अंदर 16 महाजनपदों में से बहुत सारी महाजनपदों को अपने अंदर जब्त करके मगध एक सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पे निकल कर आया। लास्ट पॉइंट था कम्युनिकेशन का। गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइडेड अ मींस ऑफ चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन। देखिए, किसी भी अंपायर को अगर आपने सुचारू रूप से चलाना है तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, और अगर आपने किसी को कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह देने हैं तो वो टाइम से उसके पास पहुंच जाएं और वो उसके अकॉर्डिंगली फिर उन इंस्ट्रक्शंस के ऊपर वो काम कर सके। उस ज़माने में अब ना दूर संचार का तो कोई माध्यम था नहीं। अगर कहीं से मगध के किसी दूर के इलाके में अगर कोई घटना हो गई, कोई रेबेलियन हो गई, कोई एक्टिविटी हो गई, कहीं से पता चला कि कोई हमला करने के लिए फौज लेके आ रहा है, अब अगर ये खबर आपको उसकी राजधानी तक पहुंचानी है तो एक रास्ता तो यह है कि आप जमीन के रास्ते से बाय फुट जाओ, दूसरा यह हो सकता है कि आप किसी जानवर वगैरह के ऊपर, प्रोमिनेंटली घोड़े वगैरह के ऊपर बैठ कर जाओ, एक ये हो सकता था उस जमाने में कि आप किसी नदी के रास्ते निकल जाओ। ये जो सारे माध्यम थे कि बाय फुट जाओ, पैरों पर चल के या घोड़े पर बैठ कर जाओ या फिर हाथी पर बैठ कर जाओ या फिर नदी के रास्ते आप निकल जाओ, इन सारे मोड्स में नदी के रास्ते अगर
अगर आप जाओगे तो, और अगर आपको धारा जो है उसका प्रभाव भी अपने साथ में मिल गया, अगर धारा के बहाव के या डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ ही अगर आप फ्लो कर रहे हो, तो इससे आपको कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी पहुंच सकते थे उस टाइम पीरियड के हिसाब से। ये सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था। तो क्योंकि मगध में गंगा बह रही हैं, गंगा जी के साथ ही साथ गंगा नदी की जो दूसरी ट्रिब्यूटरी नदियां थी वो सारी की सारी भी यहाँ पे बह रही थी, तो इसके चलते अगर आपने मगध के किसी भी क्षेत्र में राजधानी से कोई खबर पहुंचानी है, किसी भी क्षेत्र से अगर राजधानी तक कोई खबर लेकर आना है, तो इन नदियों के रास्ते ये जो पूरा जाल था आप नौका की मदद से, नाव की मदद से जल्दी आ सकते थे, जल्दी खबर दे सकते थे। अकॉर्डिंगली फिर उस जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर जो भी निर्णय लेना है, वो निर्णय लेके जो भी गतिविधि करनी है वो की जा सकती थी। तो ये जो कन्वीनियंट और एक फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर ट्रिब्यूटरीज का गंगा नदी की और गंगा नदी को इस्तेमाल किया जाता था, ये जो चीप और बहुत फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन था, इसने भी मगध को अपना एक सुपीरियरिटी मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करी है। बाकी सारे एम्पायर्स के पास में एडवांटेज नहीं था कि उनके पास में जमीन, उनके पास में नदियों का इतना अच्छा नेटवर्क हो जिसमें एक से दूसरी जगह आने जाने में कम वक्त लगे और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो इन्फॉर्मेशन जल्दी एक से दूसरी जगह पहुंचा सकें और उसके ऊपर फिर एक्शन ले सकें। क्योंकि मगध के साथ में एडवांटेज था और ये एडवांटेज आने वाले 200 साल तक, छठी से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक उनके फेवर में रहा, आगे भी रहा बट छठी से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक के टाइम पीरियड में, क्योंकि ये चीज इनके फेवर में गई, इसके चलते ये बाकी एम्पायर्स वगैरह के ऊपर एक एडवांटेज या फिर एक बाकी महाजनपदों के ऊपर एक एडवांटेज या फिर एक एज मेंटेन करते थे, और इसी के चलते ये काफी ज्यादा तेजी से एक्सपैंड करते चले गए और आपको 200 सालों के अंदर इतने छोटे से महाजनपद से इतना बड़ा जो है फैलाव हमको देखने के लिए यहां पर मिलता है। हाउएवर अर्ली बुद्धिस्ट एंड जैन राइटर्स आल्सो रोट अबाउट मगध एट्रीब्यूटेड however early Buddhist and Jaina writers who wrote about Magad attributed its power to policies of individuals. तो ये जो हम लोगों ने इसके पहले वाले स्लाइड में ये सारे फैक्टर्स पढ़े थे कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा था, आयरन माइंस की वगैरह मदद से काफ़ी सारी चीज़ें थी, हाथी मिल जाते थे, गंगा और इन सब की मदद से कम्युनिकेशन वगैरह सब बढ़िया चल रहा था। इन सारे फैक्टर्स के अलावा अगर हम उस टाइम पीरियड के इतिहास को दर्शाने वाले जो सबसे शुरुआती बुद्धिस्ट या फिर जैन टेक्स्ट को अगर पढ़ते हैं, तो उससे हमको पता चलता है कि इन टेक्स्ट को लिखने वाले जो राइटर्स थे उन्होंने ये जो फैक्टर्स हम लोगों ने भी डिस्कस किए हैं, इसके अलावा भी मगध का जो ये पावर का राइज हुआ है इसके पीछे इसको रूल करने वाले कुछ इंडिविजुअल रूलर्स की पॉलिसी को भी जो है जिम्मेदार बताया। इनका कहना यह है कि मगध के साथ में जितने एडवांटेजेस थे वो तो थे ही थे, इसके अलावा इसके जो राजा रहे हैं छठी से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में, ये राजा बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, रुथलेसली एम्बिशियस थे, मतलब ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अपने अंपायर को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे। ये पूरी तरह से जो है तन मन धन से लगे हुए थे कि भाई मुझे अपने अंपायर को मजबूत से मजबूत और पावरफुल से पावरफुल बनवाना है। ऐसा नहीं कि एक जंग जीती और उसके बाद में बैठ गए, दो जंग जीती और बैठ गए, ऐसा नहीं है। इनका यह था कि बस बढ़ते चलो, लगातार लड़ते चलो, लगातार अपने अंपायर को फैलाते चलो और सबको अपने अधीन आपको लेकर आना। तो ये जो रुथलेस एम्बिशन था उन सारे राजाओं का जो 6th से लेकर 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा के बीच में आए हैं मगध में, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था जिसके चलते मगध इस तरीके से फैलता चला गया, इस तरीके से सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर निकल कर आया। इसमें प्रोमिनेंटली तीन राजाओं का जिक्र आता है। सबसे पहले बिंबिसार का जिक्र आता है जिन्होंने इस पूरे के पूरे अभियान की शुरुआत करी। उसके बाद में आते हैं अजातशत्रु। अब इनके लिए एक और नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो है अजात शत्रु। बट क्योंकि अपन लोगों ने पहले डिस्कस किया था, पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस किताब में हम लोग प्राकृत भाषा में जो नाम है उसको लेकर चलेंगे, तो प्राकृत भाषा में अजात शत्रु को अजात शत्रु बोला गया, इसलिए इस किताब में लोगों ने इसको अजात शत्रु लिखा। अब अजात शत्रु बोले अजात शत्रु बोले बात वही पड़ती है। तो दूसरे जो रूलर रहे वो अजात शत्रु रहे, अजात शत्रु रहे, इन्होंने भी मगध को बढ़ाने में काफी ज्यादा रोल अदा किया। एंड तीसरे थे महापद्म नंद। तो नंद वंश या फिर नंद अंपायर, नंद जो आपका डायनेस्टी थी उनके जो महापद्म नंद थे, ये भी एक बहुत पावरफुल रूलर रहे और इन्होंने भी जो है मगध के एक्सपेंशन में एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। इन तीन रूलर्स को खास तौर पे जो सबसे शुरुआती बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के राइटर्स हैं वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, वो मानते हैं कि इनकी पॉलिसीज और इनकी एम्बिशियसनेस, इनकी महत्वाकांक्षाएं जिम्मेदार रही हैं जिसके चलते मगध इतना तेजी के साथ में बढ़ा है, इसका इतना तेजी के साथ में उदय हुआ। साथ ही साथ इनके जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन्होंने भी इनकी मदद वगैरह करी थी, इनकी पॉलिसीज वगैरह को इंप्लीमेंट कराने में हेल्प करी थी और उसने भी जो है एक इंपॉर्टेंट रोल अंपायर को फैलाने में अदा किया था। बट ऑब्वियसली बात है अंतिम फैसला राजा का ही होता है, तो एट्रीब्यूट जो है वो राजा को ही किया जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मगध का जो राइज हुआ है उसके पीछे आपके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट थे जिसमें ये सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, एज वेल एज पॉलिटिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट थे जिसमें इन राजाओं का रुथलेसली एम्बिशियस होना भी जो है शामिल है। दोनों चीज़ें एक साथ इकट्ठी हुई और जो कि होता ही है कि अगर किसी चीज़ का वक्त आ जाए तो फिर मगध का वक्त आ गया था और वो वक्त फिर आया तो ऐसा आया कि वो एक सुपर पावर के तौर पे बढ़ता चला गया और कोई फिर उसको रोक नहीं पाया। चलें जी, तो ये जो है अब यहां पर देखिए, जैसे 4th सेंचुरी आते आते मगध इतने छोटे से सेक्शन से इतना बड़ा हो गया था। यहीं से अगर हम आगे बढ़ते हैं महापद्म नंद का टाइम आते आते 325 बिफोर कॉमन एरा आते आते ये जो ब्राउन कलर से पूरा क्षेत्र दिख रहा है मगध इतने इलाके में फैल चुका था।
देखिए इतने बड़े इलाके में जो है मगध फैल चुका था, इतने बड़े इलाके को ये अपने कब्जे में लेकर आ गए थे। नंद एम्पायर जो बना था, महापद नंद ने जो बड़ा एम्पायर बना के तैयार किया था 325 बिफोर कॉमन एरा आते आते, तो देखिए इतना बड़ा जो है इलाका यहाँ पर इन्होंने अपने अंदर लेकर आ गए थे। लगभग लगभग पूरा पश्चिम बंगाल का इलाका हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा का कुछ पोर्शन हो गया, यूपी का एक बड़ा इलाका है, मध्य प्रदेश का एक बड़ा इलाका है, छत्तीसगढ़ और थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का जो और आंध्र का भी और तेलंगाना का भी कुछ पोर्शन जो है इसमें कवर हो रहा है। तो इतना बड़ा एम्पायर जो है महापद नंद का टाइम आते आते 325 बिफोर कॉमन एरा तक हिंदुस्तान में बनकर तैयार हो गया था। एंड इसके पीछे ये ज्योग्राफिकल एज वेल एज पॉलिटिकल रीजंस दोनों का हाथ रहा। एंड मगध नो डाउट इस टाइम पीरियड तक 325 बिफोर कॉमन एरा तक अब किसी को कोई शक या संशय नहीं रह गया था कि सबसे पावरफुल मोस्ट पावरफुल आपका महाजनपद के रूप में उदय कर चुका था। इनिशियली अब यहां पर ये जो मगध है इसका जो कैपिटल था उसका नाम था राजगृह। अपन ने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी था कि जो हर एक आपकी महाजनपद थी उसका अपना एक कैपिटल हुआ करता था। तो सबसे शुरुआती वक्त में मगध महाजनपद का जो कैपिटल हुआ करता था उसका नाम था राजगृह। एंड ये जो है आज की तारीख में बिहार में एक जिला पड़ता है राजगीर। प्रेजेंट डे का जो राजगीर है वहीं पर ये राजगृह या राजा गह जो है ये स्थित था। और यहाँ पर यहाँ से जो है मगध अपना पूरा जो भी अंपायर वगैरह है चलाया करते थे। मगध के अलग अलग राजा राजगह या फिर राजग्रह भी इसके के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ से ही अपना पूरा काम चलाते थे। ये इसका शुरुआती कैपिटल हुआ करता था। इसका मतलब होता है हाउस ऑफ द किंग। राजगह प्राकृत में बोला जा रहा है राजगह, संस्कृत में बोला जाता था राजगृह। और इसका मतलब यह बनता है कि हाउस ऑफ द किंग जहाँ पे राजा रहता है। तो क्योंकि यहाँ पे राजा रहता था, राजा यहाँ से अपना पूरा काम चलाता था, राजा अपना पूरा कारोबार और अपना सारा अंपायर वगैरह यहाँ से देख रहा था, इसलिए इसका नाम जो है राजगह प्राकृत में और राजगृह जो है संस्कृत में नाम इस्तेमाल होता था। यहां से ही अपना पूरा काम करते थे। सबसे शुरुआती जो है ये कैपिटल हुआ करता था। ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था एंड चारों तरफ से फोर्टिफाइड था, चारों तरफ से इसकी किलेबंदी करके तैयार की गई थी। मतलब इन लोगों को डर भी था, संशय भी था कि इसके ऊपर हमला भी हो सकता है, और अगर होता है तो फिर वो उसके लिए तैयार थे। तो अपना जो भी राजगृह नाम से इनका कैपिटल है उसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन है, उसके चारों तरफ हिल वगैरह है, हिल्स के बीच में ये बना हुआ था और यहां से अपना पूरा एम्पायर वगैरह चलाया करते थे। ये सबसे शुरुआती फेजेस की बात है। बाद में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते कैपिटल को शिफ्ट किया गया था राजगृह से पाटलिपुत्र में, जो आज का प्रेजेंट डे पटना शहर है, पाटलिपुत्र में। यहां पर राजगृह या फिर राजगह से इसको शिफ्ट किया गया था एंड यहां से जो है फिर अपना अंपायर वगैरह इसको कैपिटल बनाया गया और उसके बाद यहां से फिर अंपायर को चलाया गया, यहां से जो है पूरा का पूरा कारोबार चलाया गया। अब सवाल यह उठेगा कि यह जो राजगह है या फिर राजगृह है यहां से पाटलिपुत्र या फिर पटना कैपिटल को फोर्थ सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में शिफ्ट क्यों किया गया? इसका जवाब यह है कि पाटलिपुत्र की लोकेशन बड़ी स्ट्रेटेजिक किस्म की है। ये एक ऐसे पॉइंट पर बसा हुआ है जहां पर आके काफी सारी नदियां मिलती हैं। अब यहां से अगर आपको मगध के जो अंपायर के अगर नीचे के इलाकों में जाना है तो भी आप इन नदियों का रूट पकड़कर जल्दी जा सकते हो। अगर ऊपर के इलाकों में जाना है तो भी आप इन नदियों का रूट पकड़कर जल्दी पहुंच सकते हो। अगर किसी जगह से आपको अगर पहुंचना है कैपिटल, तो राजगृह की अपेक्षा पाटलिपुत्र ज्यादा सेंट्रलाइज लोकेशन थी। कम वक्त आपको किसी भी जगह से किसी भी अंपायर के किसी भी हिस्से से अगर आप पहुंचने की कोशिश करोगे तो आपको कम लगेगा और जल्दी आप यहां पर पहुंच सकते थे। तो ये क्योंकि बड़ी ऐसी स्ट्रेटजिक लोकेशन पर बैठा हुआ था कि जो जितने भी आपके गंगा और गंगा के ट्रिब्यूटरीज के की जो नदियां थी ये इन सब का जो एक आपका कम्युनिकेशन का नेटवर्क बना हुआ था उसके एकदम कमांडिंग रूट्स की लोकेशन पर ये बैठा हुआ था। पूरे एंपायर में से कहीं से भी चलो, कहीं से भी आप शुरू करो, जल्दी पहुंच सकते हो यहां पे। और यहां से किसी भी हिस्से में जाना चाहो तो भी आप जल्दी पहुंच सकते हो। दोनों वजह के चलते चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में कैपिटल को राजगृह से राजगृह या राजगह से पाटलिपुत्र जो बाद में आपका प्रेजेंट डे पटना शहर बना यहां पर शिफ्ट किया गया था। इसको इस मैप के ऊपर देखिए ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये है पाटलिपुत्र। अब यहां से एक तो गंगा खुद बहती हुई जा रही है, अब इसके साथ ही साथ यहां पे कई सारी रास्ते में ट्रिब्यूटरीज वगैरह भी जो है इसमें टकरा रही हैं और इस तरीके से गंगा यहाँ पर जो है कई सारे आपके ट्रिब्यूटरीज में टूट जाती हैं। इसी तरह और भी दूसरी ट्रिब्यूटरीज हैं जिसकी मदद से आप ऊपर की तरफ में जा सकते हो। ये पूरा का पूरा जो एक नदियों का नेटवर्क बनकर तैयार हुआ है, इस पूरे के पूरे नदियों के नेटवर्क के चलते किसी भी जगह से पाटलिपुत्र पहुंचना आसान है, पाटलिपुत्र से किसी भी जगह पहुंचना आसान है। तो कोई भी खबर पहुंचानी हो, कोई भी खबर लेकर आना हो, कोई भी आपको डायरेक्शन या दिशा निर्देश भेजने हो, किसी व्यक्ति को या फिर सेना की टुकड़ी को अगर भेजना हो तो नदी के रास्तों का इस्तेमाल किया जाता था। और इसके चलते पाटलिपुत्र ज्यादा बेहतर स्थिति में था यूज होने के, ज्यादा बेहतर स्ट्रेटेजिक लोकेशन था बजाय राजगृह के जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। तो इसके चलते उन्होंने अल्टीमेटली चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में आज का जो प्रेजेंट डे पटना है जो उस वक्त में पाटलिपुत्र कहलाता था यहां पर अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया। एंड इसके बाद में फिर यहां से जो है अपना कारोबार या फिर यहां से अपना शासन चलाना शुरू कर दिया।